So we solve very very small small questions to understand lines and angles. अब इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टीज हैं जो अब हम पढ़ना चाहेंगे. फर्स्ट इज, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, जो दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. एंड नॉन पैरेलल लाइंस मीन्स दे विल इंटरसेक्ट डेफिनेटली, वो एक दूसरे को क्रॉस जरूर करेंगी. एंड पैरेलल लाइन जो होती है वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी. सिंपल इंटरसेक्टिंग लाइंस हमने ऐसी पढ़ी थी कि एक ही लाइन है, उसको एक ही लाइन क्रॉस कर रही है, ठीक है, और एक ही कॉमन पॉइंट पे अगर कर रही है, मीन्स ये पॉइंट है वो जो दोनों का कॉमन है, सो दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है. अब इसी को टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम एक और प्रॉपर्टी बताना चाहेंगे कि दो कोई लाइन है, मान लीजिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और अब उनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है. पहला केस क्या है, केवल दो लाइन है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है. अब दो हमारे पास दूसरी लाइन्स है, डिस्टिंक्ट लाइन्स है, एंड वन इज क्रॉसिंग बोथ द टू डिस्टिंक्ट लाइन्स. तो इसको वैसे तो हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स भी बोल सकते हैं, बट इसको जो नेम दिया गया है इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, ठीक है. सो वॉट वी से ट्रांसवर्सल, ये वाली जो लाइन है ये क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है. सो क्या डिफरेंस हुआ नॉर्मल लाइन इंटरसेक्टिंग में और ट्रांसवर्सल लाइन में. इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स टू लाइन्स क्रॉसिंग ईच अदर एट पॉइंट, एट अ सिंगल पॉइंट और कॉमन पॉइंट और यूनिक पॉइंट. बट वेन वी हैव टू और मोर देन लाइन्स एंड अनदर लाइन इज क्रॉसिंग, जैसे और एक केस ले लेते हैं, ये जरूरी नहीं कि दो है, हमारे पास ये तीन लाइन है और अब उन्हें एक लाइन क्रॉस कर रही है, तो ये जो लाइन है जो क्रॉस करके जा रही है अलग अलग पॉइंट्स पे, ये कहलाएगी ट्रांसवर्सल. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्सल, लाइन इंटरसेक्टिंग टू और मोर देन टू डिस्टिंक्ट लाइन्स, मीन्स दो या दो से ज्यादा अलग अलग लाइन है, बट उनको एक लाइन एक अलग अलग पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. और एक एग्जांपल लेते हैं, ये लाइन है, तीन डिस्टिंक्ट लाइन है, जरूरी नहीं तीन नहीं आप चार ले लीजिए, फोर डिस्टिंक्ट लाइंस मीन्स टू और मोर देन टू हो गई, यस, इनको एक लाइन जो अलग अलग पॉइंट्स पे क्रॉस कर रही है, एक पॉइंट यहाँ क्रॉस कर रही है, यहाँ पर कर रही है, यहाँ पर कर रही है एंड यहाँ पर कर रही है. सो टू और मोर देन डिस्टिंक्ट लाइंस एंड वन लाइन इज क्रॉसिंग एट डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्सल, ठीक है. सो ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि अब जो हम प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वो इन पे बेस्ड है, इसलिए हमें ये कॉन्सेप्ट को याद रखना बहुत जरूरी है. पैरेलल लाइंस मैंने आपको जस्ट अभी बताया, पहले हम नॉन पैरेलल का केस ले लेते हैं और फिर पैरेलल लाइंस पढ़ेंगे. मान लीजिए हमारे पास ये दो लाइंस हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, बट नाउ आई एम यूजिंग वर्ड ट्रांसवर्सल, ठीक है. जो पॉइंट पर क्रॉस कर रही है दैट इज मान लीजिए पी एंड दिस इज क्यू, लाइन L है, M है, N है, और जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम नेमिंग दे देंगे, ठीक है. अब इस डायग्राम में बहुत सारे एंगल्स फॉर्म होंगे और उन एंगल के कुछ नेम्स हैं स्टैंडर्ड और कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है. सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप एक एक एंगल को पढ़ेंगे. फर्स्ट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको मैं रब कर देती हूँ. फर्स्ट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ट्रांसवर्सल आपको क्लियर हो गया है. ट्रांसवर्सल मीन्स जो डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट लाइन को क्रॉस कर रही है डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट पॉइंट पे,
नाउ करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इस डायग्राम के हिसाब से मैं इनको नेमिंग दे रही हूँ. दिस इज एंगल वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड एट. आठ एंगल यहाँ फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं. करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वन एंड फाइव. ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वी हैव टू फॉलो. वन एंड फाइव को हम कहेंगे यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल वन एंड फाइव. एक और पेयर बनेगा इस साइड, एंगल टू एंड एंगल सिक्स. एंगल वन एंड फाइव, देखिए ध्यान से देखिए, ये है एंगल वन लाइन के इस साइड, ये ट्रांसवर्सल है हमारा एन, एन के इस साइड मैंने ग्रीन किया हुआ है एंड ये फाइव को भी हमने ग्रीन कर दिया है. दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मीन्स ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के बट बीच में एक छोड़ के. ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हमको केवल इन्हें याद रखना है, ठीक है. सिमिलरली ट्रांसवर्सल के इस साइड बनेगा, मैं उसको पिंक कर रही हूँ, एंगल टू एंड एंगल सिक्स, ठीक है. सिमिलरली इंटरनल पार्ट में भी हो रहा है, हम उसे ब्लू कर देते हैं, एंगल फोर एंड एंगल एट. कितने पेयर बन रहे हैं? फोर एंड एंगल एट. एक और पेयर बनेगा, एंगल थ्री एंड एंगल सेवन, एंगल सेवन, ठीक है. ये चार पेयर जो होंगे आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सिर्फ करस्पॉन्डिंग का ही अब डायग्राम बना देते हूं जिससे आपको और इजी रहे. ये डायग्राम में मैं केवल करस्पॉन्डिंग एंगल कंसीडर कर रही हूं. दिस वॉज वन, सो इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा? ये था जिसको हमने क्या नाम दिया है, फाइव. दिस वॉज टू, पिंक इज टू एंड उसका करस्पॉन्डिंग को जो हमने नेमिंग दिया सिक्स. ये आपके समझने के लिए मैं बना रही हूं. ये हमारा फोर था, इसका करस्पॉन्डिंग एट आया है एंड ये हमारा थ्री था, इसका करस्पॉन्डिंग सेवन आया. ऐसे चार पेयर हमारे जो बने वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बने, दो अंदर की तरफ बने, दो बाहर की तरफ बने, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल. बट यहाँ लाइन पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज अभी इक्वल होंगे कि नहीं ये नहीं लगेगी, ठीक है. नाउ अल्टरनेट इंटीरियर, इसी डायग्राम में अब हम अल्टरनेट इंटीरियर को समझेंगे. सेम डायग्राम रहेगा, अब हम करस्पॉन्डिंग को छोड़ के अल्टरनेट इंटीरियर को समझेंगे. पॉइंट पी है, दिस वॉज क्यू, एल, एम, एन इज ट्रांसवर्सल. अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर क्या होंगे? अगर यहाँ का एंगल हमने क्या नाम दिए थे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. अब आप ध्यान से देखिए, एंगल थ्री इसका अल्टरनेट इंटीरियर होगा एंगल फाइव, मीन्स ट्रांसवर्सल के एक राइट साइड एंड एक लेफ्ट साइड. तो ये टोटली चेंज है करस्पॉन्डिंग से. यस, करस्पॉन्डिंग में क्या था, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड थे, जो भी एंगल थे वो एक ही साइड थे, आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड. बट अल्टरनेट इंटीरियर में हम क्या देख रहे हैं, एक राइट साइड का एंगल एंड एक लेफ्ट साइड का एंगल. सो अल्टरनेट इंटीरियर, पहला पेयर क्या मिला हमें, एंगल थ्री एंड एंगल फाइव पेयर मिला है, ठीक है. अब एंगल फोर एंड एंगल सिक्स भी अल्टरनेट इंटीरियर है. देखिए ये फोर एंड ये सिक्स, सो एंगल फोर एंड एंगल सिक्स आर आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर. इसमें दो ही पेयर मिले बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट
इंटीरियर यानी ये दो लाइन के अंदर के पार्ट की हम बात कर रहे हैं। अल्टरनेट इंटीरियर को पहचानने के लिए ऐसा शेप बनता है, ऐसा एक इधर का एंड एक इधर का, ठीक है। नाउ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर। अब इंटीरियर वाले हम भूल जाएंगे, एक्सटीरियर की बात करेंगे। ये था वन, इसका एक्सटीरियर क्या होगा, सेवन, एंड टू था ये, इसका एक्सटीरियर क्या होगा, एट। एक लाइन के इस तरफ, एक लाइन के इस तरफ, तो क्या पेयर मिले हमें, वन एंड सेवन, एंड टू एंड एट। दो पेयर हमें एक्सटीरियर के मिले, दो पेयर हमें इंटीरियर के मिले। इसके अलावा वर्टिकली अपोजिट तो हम जहां चाहे वहां लगा सकते हैं, क्योंकि वी ऑलरेडी लर्न दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमें इस डायग्राम से कौन कौन सा एंगल मिल रहा है, वर्टिकली अपोजिट मिल रहे हैं, करस्पॉन्डिंग मिल रहे हैं, एंड अल्टरनेट इंटीरियर मिल रहे हैं, एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर मिल रहे हैं, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर का मैं यहाँ छोटा सा डायग्राम फिर से बना देती हूँ, सो दैट आपको ईजीली समझ में आ जाए। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। इनकी नेमिंग दे दे हम, ये थ्री था, ये फाइव था, ये फोर था, एंड ये सिक्स। ये केवल इंटीरियर है। सिमिलरली हम एक फिर से डायग्राम बना देते हैं और अब एक्सटीरियर की बात करते हैं। ये था वन, इसका एक्सटीरियर क्या आया, सेवन, एंड ये था टू, इसका एक्सटीरियर क्या आया, एट। सेपरेटली अगर हम देखें तो इस तरीके से इसे समझ सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर। बट केस ये था कि लाइन्स जो है वो पैरेलल नहीं थी हमारी, ठीक है। अब इसी केस को, ट्रांसवर्सल के केस को हम पैरेलल लाइन पे अप्लाई करते हैं। अब ये जो दो लाइन है दे विल नेवर एवर इंटरसेक्ट, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है एंड इनको एक ट्रांसवर्सल क्रॉस कर रहा है। ये लाइन L है, ये M है, एंड N इज अ ट्रांसवर्सल। एंगल तो सेम हमारे वही फॉर्म होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। कॉम्बिनेशन भी यही मिलेंगे हमें, यस, बट प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइंस। ये जो पेयर है ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। अभी हमने क्या लिखा है, सिर्फ पेयर लिखे हैं, बट ये इक्वल है कि नहीं ये नहीं लिखा था, बिकॉज लाइन वर नॉन पैरेलल, एंड इन दिस केस लाइंस आर पैरेलल। तो अब हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या आएंगे, एंगल्स। पहला हमारा क्या था, वन एंड फाइव। अब हमारी प्रॉपर्टी जो हो जाएगी, वन इक्वल्स टू फाइव। इफ लाइंस आर पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल इज क्रॉसिंग दैट टू पैरेलल लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो टू एंड सिक्स हमारा पेयर था, अब हमारा टू एंड सिक्स क्या हो जाएगा, इक्वल। सिमिलरली फोर एंड एट हमारा एक पेयर था, फोर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एट, एंड सेम विथ थ्री एंड सेवन। ये सारे एंगल जो हैं हम इनको इक्वल कर सकते हैं। मींस अगर वन की मेजरमेंट 30 डिग्री है तो हम कह सकते हैं फाइव भी 30 होगा। टू की मेजरमेंट मान लीजिए 150 है तो सिक्स भी 150 होगा। अभी हम एंगल्स निकालना सीखेंगे, ये जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। अब अल्टरनेट इंटीरियर भी अभी हमने पेयर लिखा था, अब ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये भी एक पेयर था तो ये हो जाएगा इक्वल। सिमिलरली अल्टरनेट एक्सटीरियर भी हो जाएंगे इक्वल, बट ये जब ही होंगे जब लाइन क्या है, पैरेलल। ये कंडीशन को आपको याद रखना बहुत जरूरी है, इफ एंड ओनली इफ लाइंस आर पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल इज क्रॉसिंग दैट लाइंस, तभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, एंड अल्टरनेट
एक्सटीरियर इक्वल होंगे, अदरवाइज नॉन पैरेलल के केस में कॉम्बिनेशन तो बनेंगे बट वो इक्वल होंगे कि नहीं ये हमें नहीं पता है, ठीक है। सो ये छोटी सी प्रॉपर्टीज थी जो आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इसी डायग्राम पे बेस्ड प्रॉपर्टी है, ये मैं फिर से इसलिए बना रही हूं कि वो प्रॉपर्टी इसमें मिक्स ना हो, अदरवाइज मैं आपको पहले ही बता देती, बट अगेन आई एम मेकिंग अ डायग्राम सो दैट वी यू आर नॉट कंफ्यूज, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या प्रॉपर्टीज हैं। हमने करस्पॉन्डिंग पढ़ लिया, अल्टरनेट इंटीरियर पढ़ लिया एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर पढ़ लिया। अब जो हम पढ़ रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए हमें याद होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। नेमिंग हम दे देते हैं फिर से, इट वॉज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. If lines are parallel and one transversal is crossing that lines at distant points, consecutive interior angle का sum जो होता है that is 180 degree. तो यहाँ पर consecutive interior angle कौन से होंगे? ये and ये. Angle 3 plus angle 6 equals to 180 degree. Similarly, right दूसरी side भी होगा. Angle 4 and angle 5 equals to 180 degree. This is a property. Consecutive interior मतलब transversal के एक ही side के दोनों angle, वो भी interior. Because we are talking about consecutive interior. Same transversal के दूसरी side के but interior. Consecutive मतलब just बाद वाला. 4 के जस्ट बाद अंदर क्या है 5, सिमिलरली 3 के जस्ट साथ में क्या है 6. सो ये दोनों एंगल जो होंगे इनका सम जो होगा 180 डिग्री होगा। फ्रेंड्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग एंड अल्टरनेट इंटीरियर, ये आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो आप इन प्रॉपर्टीज को हमेशा अपने माइंड में रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में घुमा फिरा के देंगे बट आपको ये प्रॉपर्टी के थ्रू ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा और सारे एंगल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 1 जो दिया हुआ है, ब्लू से आई राइट 120 डिग्री। अब हम ये सारे एंगल्स फाइंड करेंगे थ्रू दिस प्रॉपर्टीज। 1 क्या दिया हुआ है 120 डिग्री। प्रॉपर्टी को रिकॉल करने के लिए हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, इफ एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री फाइंड ऑल द एंगल्स। सबसे पहले हम एंगल 2 फाइंड करेंगे। एंगल 2 क्या होगा 180 माइनस 120 डिग्री। वाई? क्योंकि 1 एंड 2 क्या मिलके बना रहे हैं लीनियर पेयर, तो ये दोनों का सम कितना होगा 180, तो हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया, ठीक है। 60 डिग्री हमारे पास आ गया है, 2 हमारे पास है तो 6 कितना होगा, एंगल 2 इज 60, so angle 6 is also 60. Why? Alternate interior angle, alternate interior angle. अभी just हमने पढ़ा ये जितना होगा उतना ये होगा if lines are parallel. तो हमारा case हो गया 260 आया है, तो angle 6 भी हमारा कितना आया 60. Now ये 60 है तो 8 भी कितना होगा, एंगल 6 इज 60 डिग्री, सो एंगल 8 इज आल्सो 60 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो हमारे पास 8 भी कितना आ गया 60 डिग्री। अब हम 60 हमारे पास आ गया तो अब हम करस्पॉन्डेंस एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या होगी करस्पॉन्डेंस की, सॉरी यहां मैंने अल्टरनेट इंटीरियर लिख दिया है, एंगल 2 एंड एंगल 6 आर करस्पॉन्डेंस एंगल। सो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर हमने अभी जस्ट पढ़ा, अब इसी क्वेश्चन में मैं एक एंगल देख के सारे एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे वो बताती हूं। कंडीशन ये है कि लाइंस पैरेलल हैं,
L and M are parallel and transversal N is crossing at point P and at point Q. ठीक है, वन एंगल इज 120 डिग्री. मैं इनको नेमिंग दे देती हूँ, दिस इज वन, दिस इज टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट. गिवन है एंगल वन इक्वल्स टू 120 डिग्री. सबसे पहले हम या तो करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं या अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, वट एवर यू वॉन्ट. मान लीजिए मैं करस्पॉन्डिंग लगाना चाहती हूँ. ये ग्रीन एंगल जो हमारा है, दिस इज 120, सो 5 इज ऑल्सो 120 डिग्री. वाई? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल 5 इज ऑल्सो 120 डिग्री बाय द प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है, 1 एंड 5 बोथ आर इक्वल, 1 एंड एंगल 5 आर इक्वल. व्हाई? बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग. हमारे पास 120 आ गया. यस, अब हम अल्टरनेट इंटीरियर को यूज करना चाहते हैं. यहां पर फ्रेंड्स हम चाहे यहाँ लीनियर पेयर भी यूज कर सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट के थ्रू भी निकाल सकते हैं, बट अभी जस्ट हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उनको हम रिकॉल कर रहे हैं. 5 का अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा? 3, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर सेज ट्रांसवर्सल के राइट एंड लेफ्ट साइड के अल्टरनेट एंगल. सो 5 एंड 3 आर एंगल 5 एंड एंगल 3 आर alternate interior angle. तो ये होंगे equal, 5 and 3 equal होंगे. 5 हमारे पास कितना है? 120 degree. So angle 3 will also be 120 degree. So हमारे पास alternate interior के through 3 भी आ चुका है. हम verify करेंगे vertical या opposite angles क्या होते हैं हमेशा? इक्वल. तो देखिए ये 120 आया, तो ये भी 120 आया. अब हम 3 एंड 6 के थ्रू कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे. यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर का सम. नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 6 मिलके कितना होता है? 180 डिग्री बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर का सम. कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर प्रॉपर्टी. ठीक है, 3 और 6 का सम मिलके होता है 180. 3 हमारे पास है 120. सो एंगल 6 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो अब हमारे पास ये एंगल आ चुका है 6, कितना? 60 डिग्री. हम चाहते तो हम ये 120 था तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा के भी फाइंड कर सकते थे. ये 120 है तो एंगल कितना आएगा? 60. बट हम अल्टरनेट या करस्पॉन्डिंग के थ्रू ही फाइंड करना चाह रहे हैं. एंगल 660 है तो एंगल 2 भी क्या होगा? 60. वाई? करस्पॉन्डिंग एंगल. अब राइट साइड का, अभी हमने लेफ्ट साइड का लगाया था, अब हम राइट साइड का लगाएंगे. तो हम क्या लिखेंगे? एंगल 2 एंड एंगल 6 आर इक्वल बाय द प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग. करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, सो एंगल 6 60 डिग्री है तो एंगल 2 भी 60 डिग्री होगा. अब हमारे पास एंगल ये 60 डिग्री आ गया है तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी 60 डिग्री होगा. अब हम सारे एंगल्स लिख सकते हैं, ये 60 होगा, ये 120 होगा, क्योंकि हमने सब प्रॉपर्टीज को यूज कर लिया है. मींस दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल क्रॉस कर रहा है और अगर एक भी एंगल दिया हुआ है तो हम वो पूरे 8 एंगल फाइंड कर सकते हैं. सो ये एक छोटा सा इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन था और उसी के थ्रू हमने इसको सॉल्व किया. अब हम और अच्छे टफ क्वेश्चंस लेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.